Indian contract-based Pakistani lady Karima Bloch was found dead in Toronto after exposed by DisinfoEU recently that she worked for Indian agency Raw against Pakistan, and she had also connection with PTM, Pashtun Tehreek Movement, which is also anti-Pakistani, and was found terrorism activity in Pakistan already. That is confirmed. Like Mohsin Dawar, Manzoor Pashtun, they're also like the leading head of Pashtun Movement, and also they are tweeting for her condolence. And you can see on the screen there their tweet. Now Indian agency has killed her to remove their footprints after exposed by the DisinfoEU. Karima Baloch, who escaped Pakistan in 2016 to take refuge in Canada, was found dead in Harbourfront near Toronto's lakeshore. Karima Baloch had gone missing on Sunday around 3 p.m. Reports suggest Toronto police had requested public assistance in locating her. The police found Karima Baloch's body off an island just near Canadian city Toronto's lakeshore. Karima Baloch's husband, Hamal Haidar, and brother identified her body, which is still with the police. Following the news, the Baloch National Movement announced 40 days of mourning. Here's all you need to know about Karima Baloch. A pioneer of women activism in Balochistan, Karima Baloch rose to fame as a leader of a student body, the Baloch Students' Organization Azad, that campaigned for students of Balochistan and advocated the region's independence from Pakistan. Karima Baloch recorded a Raksha Bandhan message for Indian Prime Minister Narendra Modi. Hi, Shri Modi ji, Raksha Bandhan ke din pe बलूचिस्तान की एक बहन आपको भाई मानकर आपसे कुछ कहना चाहती है। मेरा नाम करीमा बलूच है और मैं बलूच स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन की चेयरपर्सन हूँ। बलूचिस्तान में आज कितने ही भाई लापता हैं पाकिस्तानी आर्मी के हाथों या मारे गए हैं और कई हजारों की तादाद में लापता किए गए हैं। तो बलूचिस्तान की बहनें आज भी अपने लापता भाइयों की राह तक रही हैं। उनमें से शायद वो सारे कभी भी लौट कर ना आए और उन बहनों का इंतज़ार कभी ख़त्म ही ना हो। लेकिन इस दिन के हवाले से हम आपसे ये उम्मीद लेकर आपके पास आपको ये कहना चाहते हैं कि आपको बलूचिस्तान की बहनें एक भाई की हैसियत से मानते हैं और आपसे ये उम्मीद रखते हैं कि आप बलूच जेनोसाइड, बलूचिस्तान में वार क्राइम्स और ह्यूमन राइट्स वायलेशन के खिलाफ इंटरनेशनल फोरम्स पर बलूचों की आवाज़ बनेंगे और तमाम उन बहनों की आवाज़ बनेंगे जिनके भाई लापता हैं। तो हैरत होती है कि जब हम बलूचिस्तान में, मैं एक स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन से बिलोंग करती हूँ, मेरे कितने साथी, मेरे स्टूडेंट दोस्त, कितने मैंने उनकी लाशें पाकिस्तानी इन्हीं दहशतगर्द और शिद्दत पसंद आर्मी के मुझे लौटाई हैं। उनके चेहरे भी देखने पहचानने के लायक नहीं थे, उन पे तेजाब फेंक दी गई उनकी लाशों पे, उनको ड्रिल किया गया। तो और वही आर्मी आज कनाडा में असाइलम लेकर फैसिलिटाइज की जा रही है उनको कैनेडियन हुकूमत की जानिब से। जो आर्मी हमारे घर में घुसकर हमें मार रही है, हमारे औरतों के साथ रेप कर रही है, हमारे बच्चों को उठा रही है, उस आर्मी को वो यहाँ पे पनाह दे रहे हैं, सहूलतें दे रहे हैं ताकि वो और काबिल हो जाए हमें मारने के। जो आर्मी 1970 को बांग्लादेश में वार क्राइम्स में मुलव्वस रही है, जेनोसाइड में मुलव्वस रही है, लाखों बंगाली औरतों की असमत तरी करने में मुलव्वस रही है, वही आर्मी वो 1947 से 1948 से बलूचिस्तान में कर रही है, वही वार क्राइम, वही जेनोसाइड, वही इज्तिमाई खबरें, वही हमारी औरतें गांव में घुसकर औरतों को हेलीकॉप्टर के जरिए उठाकर उनको अपने
आर्मी टॉर्चर सेल में रखकर उनको सेक्स स्लेव के तौर पर यूज कर रही है वही मुसलमान आर्मी, इकरा खालिद की मुसलमान आर्मी जिसे वो तहफ्फुज देना चाहती है। मैं एक विक्टिम के तौर पर यह समझती हूँ कि अगर ऐसा कुछ हुआ, अगर ये बिल पास की गई, न सिर्फ ये कनाडा के मुसलमानों के लिए बल्कि दुनिया के इंसानों के लिए एक जहर साबित हो सकती है, और मैं समझती हूँ कि पाकिस्तान के हाथ मजबूत जो कोई भी करे, मैं समझती हूँ। So much for watching our video. Please share with your friends and fellows on social media. Thank you.